सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रमेश जवाना डेयरी फार्म पर। जितने भाई फेसबुक पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, वीडियो को शेयर करें, और जितने भाई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो पास में लग्या घंटी का बटन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सभी भाइयों को मिलता रहे। आज की वीडियो कवर करी है गाँव पपड़वा और जिला कैथल से। काफ़ी शानदार वीडियो आज होने वाली है। आज आपको चार मुर्रा के नगीने दिखाएंगे, काफ़ी शानदार, बहुत ही बढ़िया, और जितनी भी जोटियाँ की तारीफ करें उतनी कम, क्योंकि भाई ने बहुत ही बढ़िया सेवा की है और काफ़ी शानदार जोटी अपने फार्म पे इन्हें तैयार की है। बहुत ही गजब गजब की जोटी आज आपको देखने के लिए मिलेंगी, यानी कि चारों जोटी खास हैं, सुपर क्वालिटी। और भाई से बात करेंगे डिटेल में, सारी बातें पूछेंगे। साइड में आ जाओ भाई साहब। राम राम भाई जी। राम राम रमेश भाई। राम राम भाई जी, दर्शकों राम राम कर दे एक बार। आपके दर्शकों को राम राम भाई। ठीक है भाई साहब, पहले नंबर पे जो टी है भाई साहब, क्या डिटेल है इसकी? भाई रमेश दूसरे ब्याह की और मौके पे 7-8 दिन की ब्याह के नीचे 15 किलो दूध तैयार है। 15 लीटर दूध तैयार है। खोल ले, इस साइड में ले आए भाई साहब एक बार। 15 लीटर दूध तैयार है, ये देखे कौन से ब्यांत की बताई भाई? दूसरे ब्यांत में। फरकी में भाई 16-17 किलो दूध। इस साइड में रखें थोड़ा सा, सूरज का चौंधा लगेगा उस साइड में। और ये देखें भाई, पहले नंबर पे जो टी है जो, ये देखें बहुत ही गजब की तैयार हुई है। भाई साहब आप करते क्या हो, क्या काम कर रहे हो? भाई भगवान की दया से वैसे तो सरकारी नौकरी भी आगा, लेकिन भाई पशुओं का अपना बचपन से ही शौक है रमेश भाई। बचपन से ही शौक है। अपने चाचा काम करते थे चाचों का भाई, उसके बाद भाई चाचों के साथ करते, अपना बचपन से ही शौक है भाई, पढ़ाई के साथ साथ भैंसों का भी आपने काम किया। ये देखे भाई शौक, इरिगेशन डिपार्टमेंट में रमेश भाई। ठीक है बात, साथ साथ अपने भैंसों का शौक है और घर पे तैयार करते हैं रमेश भाई। घर पे ही सारी भैंसे तैयार करते हो, ये देखे जैसे करते हैं और जो लेके आते हैं ऊपर से लेके आते हैं भैंस भाई। नहीं नहीं ठीक है बात, ये देखिए जैसे भाई ने बताया भाई भाई शौक है वैसे रखने का। वैसे तो भाई सरकारी नौकरी कर रहा, और कुछ भाई ये कहो भाई नौकरी करने लग गए या फिर कुछ भी चीज़ करने लग गए बाहर, काम नहीं कर कर आज ये भाई देखो कितना शौक है इस भाई ने। अगर इसके घर पे आप देखो जाएगा चार जोटियाँ से घर पे, यानी कि मुर्रा के नगीने खड़े हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से इस भाई ने तैयार किए, साथ में नौकरी करना और साथ में फिर इनका काम करना आके, और बहुत ही गजब की जोटी ये देखें। थोड़ा नीचे से अंडर क्वालिटी कवर करूँगा, ये देखें, रोक ले भाई इधर ही रोक दे एक बार, ये देखें थोड़ा आगे ले ले, आगे ले ले एक बार, ले ले बड़ा हा, ये देखें बहुत ही गजब की, और स्पेस देखें बहुत ही शानदार स्पेस। 15 लीटर दूध तैयार है भाई, कितने दिन की ब्याई है यार? 7-8 दिन की ब्याई के नीचे 15 लीटर दूध तैयार है। 7-8 दिन की ब्याई यार, 15 लीटर दूध तैयार है। नीचे क्या है ये? नीचे कटड़ा है भाई, ये देखें कटड़ाई बहुत ही बढ़िया है। नीचे कोई टिक्का का भाई साहब, ये भाई उसका M416 ये देखें बहुत ही गजब की जोटी भाई ने पहले ही नंबर पे दिखाई है। थोड़ा छांव के अंदर रखें, ये देखें पूरी तरह से कवर करेंगे। अपन सेल करनी भाई? भाई कर देंगे, कोई एक जोटी सेल करनी है इनमें से भाई। इनमें से चार जोटियां, मतलब एक जोटी सेल करनी है इस भाई ने। मैच भी कर देंगे भाई, अच्छे पैसे लगे तो। अच्छा जी, ये देखें भाई बहुत ही गजब की है, पहले ही नंबर पे जोटी बांध दे भाई साहब। ये देखें बहुत ही ज़्यादा स्पेस, और पूठी का तन चुवाई कैसी है भाई? बहुत ही ज़्यादा अच्छी चुवाई है, 1000 नंबर की चुवाई कहते हैं। हाँ वो चुवाई है भाई। नहीं नहीं ठीक है बात, और थोड़ा हा हाइट है जो भैंस की वो बताएंगे, जोटी की बीच की हाइट, भैंस नहीं जोटी बोल लेंगे। बहुत अच्छे दूध की उम्मीद है। अच्छा जी, लाइव करा के दिखाएंगे रमेश आपको इस मैच। नहीं नहीं ठीक है बात भाई, बहुत ही बढ़िया, और बीच की हाइट की जोटी है, दूध बहुत ही बढ़िया निकाल लेगी, नशे नुशे काफी ज्यादा ऑर्डर पे। आप रेट रखेंगे भाई इसका? रख देंगे रमेश भाई। रेट बोलें भाई। देने लेने वाला रमेश इसका 1.60 है भाई। 1,60,000 रुपये, ये देखें काफी शानदार, और पूरी तरह से कवर करेंगे। जो टेल है 2.5 इंच की इसकी वाइट टेल, और काफी गजब की जोटी, नीचे मेल काफ। दो नंबर पर टेल दें भाई साहब। हाँ पहले ब्यांत में 2 दांत भाई, खोल के इधर ही ले आए इसको भी। 2 दांत भाई साहब, मुंह से 2 दांत भाई, और
बीस से पच्चीस दिन के आसपास भी आई है। कभी मोरी नहीं गलाई भाई साहब ने? कोई बात नहीं, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, जान दे जान दे, डिटेल दे दे भाई साहब। 13-14 किलो दूध तैयार है, 13-14 लीटर दूध मौके पे तैयार है। कांडे का तैयार है, रमेश ये लीटर वाला नहीं कांडे का। ना ना ठीक है बात, ठीक है बात भाई। नीचे क्या है इसके? नीचे फीमेल काफ है। टिक्का किया कोई भाई साहब? भाई इसका नहीं पता रमेश भाई, ये मोल लेके आए थे। मोल लेके आए? नहीं ठीक है बात आपकी। और कौन सी साइड की है भाई साहब? ये भाई आप भिवानी मुंडाल से लेके आए थे। भिवानी मुंडाल से? नहीं नहीं ठीक है बात। ये देखें भाई, बहुत ही खूबसूरत और दो दांत कटड़ी, और इतनी हाइट मिलना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल छोटे सिंह की मेरी साइड में ले ले एक बार, थोड़ा हो वैसे ही पकड़ लें, बस फेस दिखा दें एक बार, ले आए कोई बिना मोरी ले आए। ये देखें फेस, देखें बहुत ही शानदार फेस की, कोई वाइट निशान नहीं है, बिल्कुल जेड ब्लैक, और बिल्कुल छोटे सिंह की। सिंह कवर कर देंगे एक बार, ये देखें बिल्कुल छोटे सिंह की, चारों छोटे यानी कि जितनी भाई ने रखी है चार की चार, मुर्रा के नगीने हैं। ये देखें कंडे का तैयार है भाई। नहीं नहीं ठीक है बात। ये देखें ऑर्डर क्वालिटी देखें, ये देखें भाई स्पेस काफ़ी ज़्यादा, ऑर्डर क्वालिटी भी काफ़ी शानदार है, यानी कि दूसरे ब्यांत में जो टी और इस जब में एक और खासियत रमेश भाई, 3 किलो की गाड़ी है एक टाइम की भाई इसके, 3 किलो की गाड़ी, पहले ही ब्यांत में दो दांत की, दो दांत की। नहीं नहीं ठीक है बात भाई, दो दांत नहीं भाई साहब। ये देखें भाई दो दांत देख लें सभी भाई, क्योंकि तोड़ गई ठीक है, तीसरा दांत तोड़ दिया कोई बात नहीं। जब लेके आए जब दो दांत थी भाई साहब, ये इसकी वीडियो आपने कवर करी थी ठीक है, मुंडाल से ली थी, और मैंने जो टिक जब इस भाई ने ली, और जब ये ली थी इस भाई ने, मैंने जो टिक वीडियो वहाँ पे कवर करी थी, उस भाई ने वीडियो बनवाई थी जब ये सेल करी, और काफ़ी शानदार बहुत ही बढ़िया पशुधन इस भाई के यहाँ देखने के लिए मिला, क्योंकि इस साइड में आके बहुत ही कम ऐसे पशु मिले हैं जिस इस भाई ने जैसे ये रखे हैं, बहुत ही गजब के पशुधन है सारे के सारे, और जितनी भी तारीफ करूँ जो टिकी उतनी ही कम। ये देखें 3 नंबर पे खोलने भाई साहब, डिटेल दे दें रमेश भाई, दूसरे ब्यात की मौके पे 15-16 किलो दूध, 15-16 लीटर दूध तैयार है, ले आए मेरी साइड में। नीचे मेल काफ, ब्याई कितने दिन की होगी भाई? ये भी भाई मिलने के लगभग होगी। इसी साइड में रखें भाई साहब, थोड़ा हाय थोड़ा सा इसी साइड में ले आएं। ये देखें मैं कितने दिन की ब्याई बताया भाई? एक महीने के आसपास ब्याई होगी। या दूध कितना मौके पे? 15-16 लीटर दूध। ये देखें भाई 15-16 लीटर दूसरे ब्यांत में, ये देखें दूसरे ब्यांत की, और काफ़ी शानदार, नीचे ही दिखाएंगे एक बार। ये देखें जो ऑर्डर क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया, ये देखें जो ऑर्डर क्वालिटी है, थोड़ा हा बाहर नहीं जाती भाई साहब, ये बाहर नहीं जाने, नहीं थोड़ा हा इधर ले ले, नहीं जोड़ पर तालाब में जाती है, वहाँ लेके नहीं जाते, इसीलिए थोड़ा हा ओपरापन मानना है। ये देखें अगर तालाब तलूब में जाए जाएँ खुले जाएँ फिर इतना ओपरापन नहीं मानते। ये देखें काफ़ी शानदार है, हाइट बहुत ही बढ़िया, ले आए मेरी साइड में रखें। रेट रखें भाई साहब इसका? 1.25 लाख रुपये देने लेने। दूध कितना बताया था आपने? 15-16 लीटर मौके पे तैयार है। बांध दे भाई साहब, ये देखें बिल्कुल छोटे सिंह की, और अडर क्वालिटी देखें थोड़ा आगे से, ये देखें बहुत ही साफ सुथरी, ये देखें बिल्कुल कल्ला कल्ला ठंडा गया, देख दे भाई, ये देखें भाई सभी भाई जो अडर क्वालिटी है ये बहुत ही साफ सुथरी। 2 नंबर पर जो टी ये भी सेल करनी भाई साहब, इनमें से दो जोटी अपन सेल, क्या रेट रखे? रेट नहीं रखे मेरे ख्याल में, इसका भी भाई रमेश देने वाले 1.60 है, 1,60,000 रुपये इस पर, 2 नंबर वाली का, एक नंबर वाली का भी 1,60,000 रुपये, ठीक है भाई। 4 नंबर दिखाए भाई से, इसकी डिटेल दे दें भाई, ये हमारे पास चौथी बार जाएगी मैस। हाँ ठीक है भाई, 2 बार हमने अपने पास ये मैस रखी है, और इसके 18.5 किलो। हाँ जी, और दूसरे ब्याज में 17 के करीब इसने दूध दिया, 17 के करीब। हाँ। पहले ब्याज में आपके पास थी, दूसरे ब्याज में लेके आए, लेके आए कितना निकालिया? दूसरे ब्याज में 17 किलो। हाँ जी, दूसरे का 17, तीसरे ब्याज में 18.5 किलो के आसपास इसने दूध दिया निकालिया, ठीक है बात। अरब की बार भी आएगी, चौथी बार भी आएगी, 1 महीने इसका ब्याने का बाकी है, ठीक है बात। खोल लें भाई साहब इसको, और बच्चे बुच्चे कैसे निकाला भाई? ये बच्चे बहुत अच्छे निकालती है, इसकी एक कटड़ी
1,10,000 की सेल करी थी। 1,10,000 रुपया की पिछले ब्यांत किया, दूसरे ब्यांत वाली कटड़ी, तीसरे का कटड़ा धर्मेश। नहीं नहीं ठीक है बात, और नहीं ठीक है बात भाई। और ये देखें काफ़ी शानदार, कितना समय बयान कर बताया भाई इसका, रह रहा एक भी ना भी रह रहा इसका। ये देखें भाई काफ़ी शानदार है, बहुत ही बढ़िया। ये देखें लंबाई है जो जोटी की वो काफ़ी ज़्यादा, इसी साइड में ले आए भाई साहब। ये देखें लंबाई और ऊंचाई काफ़ी शानदार, बिल्कुल छोटे सींग की लग रही है, लंबे टाइम दूध दे रहा है। 20-25 दिन से एक भी ना बाकी, यानी कि अनाज इसका खड़ चौकर बंद करके छोड़, यानी कि 7-8 महीने प्रेग्नेंट होने के बाद दूध देती है, दूध देती है। और दूध रमेश भी कम होगी, 6-7 महीने तक 18 किलो दूध, और उसके बाद 13-14 किलो दूध नॉर्मल देती रहती है, नॉर्मल देती है। ये देखें भाई पशु तो ये होते हैं, क्योंकि 12 किलो से ट्राई करनी पड़ती है अनाज बंद करके। नहीं नहीं ठीक है, अपने आप इधर कद बंद करनी पड़े, छोड़नी पड़ा रमेश। ये देखो भाई ये मुर्रा के पशु धन है, ये खासियत है मुर्रा के अंदर, चौड़ाई देखें पीछे की, ये देखें बहुत ही ज़्यादा चौड़ाई, और ये देखें जो पट्टे हैं बिल्कुल पतली, और गर्दन देखें लंबी गर्दन, और जो ये लंबाई है जोटी की ये देखें, ये मुर्रा के गुण है। काफ़ी शानदार जो टिश भाई की देखने के लिए मिली, क्योंकि इन्होंने घर पर ही रखे, दूसरे ब्यांत में लेकर आया था, थोड़ा सा टेल है, थोड़ा मैं आपको पकड़ के भी दिखाया था, पकड़िए भाई साहब एक बार, छोड़ दे, 2-3 इंच के आसपास होगी, 6 इंच के आसपास, यानी कि 5 इंच के आसपास होनी चाहिए, 5 पाएगी, ज़्यादा नहीं पाएगी। और ये देखें प्योर मुर्रा में, ये देखें भाई, ये देखें चाहे गांठ मार लियो, सारे गुण बहुत ही बढ़िया है इसके अंदर, और यानी कि चारों जोटी बहुत ही गजब की है इस भाई की। और मैं भी एक बार इस भाई से एक जोटी लेकर गया था, काफ़ी शानदार वो जोटी निकली थी, बहुत ही बढ़िया जोटी थी, और इस भाई के फार्म पर तो काफ़ी शानदार जोटी देखने के लिए मिलते हैं, तब भी बहुत ही बढ़िया थी, और आज भी ये देखें, ये देखें मुर्रा के नगीने हैं जो, ये देखें काफ़ी शानदार जोटी राम सिंह पांडवान के पास देखने को मिलती है, हमेशा अपने एरिया में ऐसी जोटी मिलती नहीं, नहीं मिलती नहीं भाई साहब, ये बात आपकी सही है, ठीक है बात। और बहुत ही बड़े ऑर्डर किया, चौड़ा ऑर्डर है, ये देखें एक बार और दिखा दूँ, ये देखें काफ़ी बड़ी ऑर्डर की जोटी, ये देखें चौड़ाई बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर में, स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि जोटी तो इसकी चारों तारीफ के लायक हैं, बहुत ही बढ़िया हैं, काफ़ी शानदार हैं। गाय की डिटेल दें भाई साहब, साथ में भाई ने गाय भी रखी है, पहले ब्यात की बछड़ी है, ये देखें ये भी बहुत ही साफ सुथरी, डिटेल दें भाई साहब, इसको छोटी बच्ची लेके आए रमेश घर पे पाली, हाँ ठीक है जी, और उसके बाद 860 को टिक्का लगवाया था, अच्छा जी, अच्छा बोला इसके नीचे, ठीक है बात, 3 महीने उसकी उम्र है रमेश, और इसने खरके ब्यांत में बछड़ी ना खीरी ब्यागी थी रमेश, यो खीरी ब्यागी थी, इसने 11-12 किलो देसी गाय ने दूध दिया हमारे पास, 11 से 12 लीटर दूध निकाला है। अब ब्याई कितने दिन की होगी लगभग, ब्याई कितने दिन की है लगभग, 3 महीने के आसपास, 3 महीने, अब मौके पे कितना है, 11 किलो के आसपास दूध तैयार है, 11 लीटर के आसपास तैयार है अभी। ये देखें भाई काफ़ी शानदार गाय साथ में रखी है, और ये कहते हैं सभी भाई भाई शौक का कोई मोल नहीं है, ये देखें, और ऐसे भाई कम मिलेंगे जो साथ में नौकरी भी करें और इतना शानदार पशुधन भी रखें। और रमेश एक बात, ये सेल के लिए नहीं है रमेश, छोड़ रखी है हमने घर पे, ना ना ठीक है भाई, और ये गाय सेल के लिए नहीं है भाई, कोई भी फोन भी ना करे, ना 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 ठीक है बात, देसी गाय है भाई, सेल के लिए नहीं है, क्योंकि दही छोड़ रखी है, ये कोई भाई इसके लिए फ़ोन ना करे। काफ़ी शानदार पशुधन इस भाई का देखने के लिए मिला, थोड़ा हा ऐसा पशुधन देख के मारा भी थोड़ी सी संतुष्टि आवे भाई, हरियाणा के अंदर ऐसी ऐसी जोटी बन रही हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया। और जिस भाई ने बात करनी है इस भाई का नंबर स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा, कमेंट में ज़रूर बताएँ आपको ये जोटी कैसी लगी, आशा करेंगे सभी भाइयों को ये वीडियो पसंद आएगी, आखिर तक वीडियो देखने वाले भाइयों का धन्यवाद।